ये क्यों रो रही है? इसको लग रहा है खुशी नहीं है जलंधर जाने की। ए बोली मेरे को यहीं छोड़ दो। यहीं छोड़ दे नानी के पास। नानी के पास खुश है तू? तो आज है 30 अक्टूबर और आज मैडम बहुत खुश हैं। और खुश होने का कारण इससे पूछते हैं कि बताइए कि मैडम आज इतना खुश क्यों आप? जलंधर जा रही है। जलंधर तो आज इंदु जलंधर जा रही है वापस आफ्टर 5 मंथ। 5 महीने हो गए यहाँ पे इसको हिमाचल आए हुए, तो आज जलंधर जा रहे हैं वापस बच्चों को लेके। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है मन में कि बच्चे हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अकेले, तो हम वहाँ पे दोनों को कैसे संभालेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। ये वाले हाँ इतने से तो खा ही लूँगा, मेरे को ज़्यादा भूख भी नहीं है और सफ़र में वैसे भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जलंधर ले लेना क्या? क्या सामान ही बहुत है ले जाने के लिए, इतना ज़्यादा पहले रखा है मैं पहले गाड़ी में। चलो ऐसा ही होता है। चलो जी चलो, ये चलो अगली बार ले जाएंगे। तो गाइस बच्चों के साथ जाने के लिए ना सामान इतना ज्यादा है कि पूछो ही मत। 3 से 4 बार चक्कर लगा चुका हूँ गाड़ी में रखने के लिए और कुछ सामान तो गाड़ी में भी आ भी नहीं रहा। बच्चों की विदाई का टाइम हो गया, अब रोने वाले भी बहुत हैं। हमारे अम्मा जी रोएंगे, कोई नहीं रोएगा, और नानी जी भी रोएंगे। चलो तुम तो नहीं रोओगी? क्यों तुमने तो रोना, जब शादी हुई तब तो बड़ी रोई थी। तो गाइज ऑब्वियसली 5 महीने बच्चे जब इनके पास रहे हैं तो प्यार तो हो ही जाता है, और जब विदा करना है पता है कि अब 10 दिन 15 दिन महीना भी लग सकता है उसके बाद आएंगे, तो फिर थोड़ा सा आंखें तो नम हो ही जाती। ले ले पुक्कू, ले 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 ले। बस बस जाओ ले दे, जाओ तू ना तेरा तो। हां बस ले, अम्मा को भी ले, दिखे दिखे। तो गाइस अभी सारे रोने लग पड़े थे जब हम यहां से चले, स्पेशली अम्मा जी, क्योंकि अम्मा जी ना जैसे बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, 88 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनको अपने आप में लगता है कि पता नहीं जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं इस दुनिया में होंगी कि नहीं होंगी, बस उसी चीज़ को लेके वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। और ये तो नहीं पता किसने कब जाना है, लेकिन अभी इंदु भी शायद रोएगी थोड़ी देर। रोएगी नहीं रोना, पर ऐसा ही मतलब हो जाता है भी, चलो इतने दिनों से रोना थी ना हमारे घर, किसकी रोना हो रही। पीछे मुन्नी पर भी ध्यान रखना, ये हमारी मुन्नी पीछे अकेली बैठी हुई है सीट के ऊपर। तो गाइस ऐसा ना सोचें, फ्रेंड्स उन्नू के फ्रेंड्स ऐसे नहीं सोचें कि इसको घर में छोड़ दिया। अब यहाँ कहाँ मोमोज खाने तुमने यार, बच्चों के साथ जलंधर पहुंच जाएंगे तब खाना। कैसे तो रही गाड़ी, उसको गाड़ी में डाल दिया, नहीं मैं निकालूंगी। तो गाइज अभी हम आए थे कामाख्या मंदिर है यहाँ पे रास्ते में, तो इंदु ने बोला कि चलो वहाँ पे माथा टेक कर आते हैं, काफ़ी दिनों से प्लान था, तो आज हमारे पास टाइम भी है तो, और दोनों काके भी हैं, तो सोचा था कि चलो वहाँ पे माथा टेक के आते हैं। और ये है नॉर्दर्न टू होशियारपुर रोड पर। सो गाइज ये है हिमाचल की ब्यूटी, गिरा मत देना इसको, कितनी हंसी आ रही है, कितनी हंसी आ रही है। चलो शिंदु चल पड़ते हैं, लेट हो जाएंगे यार, जलंधर पहुंचने हैं हमने। इन दोनों के साथ ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, देखो कैसे टांगे लगा के खड़ा है, बैठ थोड़ा रहा है सीट में। और बताओ हंसी आ रही है मुन्नू को, बहुत हंसी आ रही है, और देखो हो गई मृदुल की शेम शेम, हो गई वे मृदुल की शेम 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 शेम। सूखा है डायपर तो मुझे लग रहा है वहाँ टेबल के ऊपर कहीं पानी था जहाँ पे तूने रखा था इसको। रास्ते कितने खतरनाक हैं दो यहाँ पे। जब खुद ट्रैवल करते हैं गाड़ी में तो जैसा दिल करे वैसे निकल जाओ, लेकिन बच्चों को लेकर साथ में चलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी एक रोने लग पड़ता है, कभी दूसरे को भूख लग पड़ती है। सामने गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे मैं दूध गर्म करवाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं दूध पी लेंगे और इंदु पी लेंगे चाय, तो बस यहीं पे रुका हूँ अभी। ये इंदु के लिए चाय जा रही है गाड़ी में, और मैंने तो पीनी नहीं, मैंने उसको मना कर दिया कि मेरा मन नहीं चाय पीने का। खोलो
लेकिन घर में तो इस दूध को फेंक देता हूँ बाहर। ये लो, ये लो, लो। कहाँ पहुँच गया पोटू? जलंधर पहुँच गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और 5 महीनों बाद अपनी कमांड संभाली आजकल मैडम ने। कैसा लग रहा है जलंधर आके?